बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी फंडामेंटल का चैप्टर मैं पहले तो डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ना अब इसकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊँगी 10 से 20 तक जो पेपर में आने हैं, जिनका मुझे काफ़ी कंफर्म है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर रेफरेंस टू अल्टरनेटिंग करंट, फॉर्म फैक्टर अक्सर आ जाते हैं, आरएमएस पे एवरेज आ जाते हैं, 3 MCQs रिपीट होते हैं। यूजर साइनोसाइडल के बताया हुआ है फॉर्म फैक्टर, तो साइन का 1.11 होता है। अच्छा, ये MCQs आ जाते हैं, और इसमें से इन पेजेस में से कौन सा आता है मेरे ख्याल से, और इसमें से इस पेज में से कोई भी नहीं आता। अच्छा, ये आ जाते हैं नेगेटिव मैक्सिमम को साइन वेव 180 वाला आया हुआ है एक दो दफ़ा, और ये बहुत मज़े के MCQs हैं। RMS किसकी ज़्यादा है, हाईएस्ट किसकी वो है, और फॉर्म फैक्टर मतलब अब जैसे 21 में वो कह रहा है पी वैल्यू सबकी सेम है, तो आप बताएं कि लीस्ट RMS वैल्यू किसकी होगी। तो ट्राइंगल की आई थिंक होती है 0.577, साइन की तुम्हें पता है 0.637 होती है, स्केयर वेव की RMS पीक एवरेज सब बराबर होती हैं। अच्छा, पीक्स के लिहाज से हम RMS को लेते हैं ना साइन में, जिस तरह 0.637 लेते हैं और ट्राइंगल में 0.577 लेते हैं, इस तरह स्केयर वेव में RMS ने भी फिर बोला RMS पीक एवरेज सब बराबर होती है ना, तो इस वजह से 22 का आंसर जो है वो सी है। और 23 में वो कह रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर बताएं किसकी है, फॉर्म फैक्टर होता है RMS बाय एवरेज, हाईएस्ट उसकी होगी जिसकी एवरेज वैल्यू कम है, हाफ वेव रेक्टिफाइड की एवरेज वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि वो नेगेटिव साइकिल में तो होता ही नहीं है, तो 23 का आंसर डी हो जाएगा। इस तरह लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर की उसने पूछी है, वो उसकी होगी जिसकी एवरेज वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसका ये भी फार्मूले में आपको बता देती हूँ, साइन में एवरेज हमारे फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है और ट्राइंगल में 1.15 होता है, तो लीस्ट जो है वो स्केयर में होता है 1, फॉर्म फैक्टर 1 किसका है, स्केयर का है। अच्छा, और इसमें से कौन सा आ जाता है, ये 28 का आंसर फिर डी होगा, क्योंकि स्केयर वेव में RMS मीन एवरेज सब बराबर होती हैं। अच्छा, ये ट्राइंगल का देखिए 1.15 है, स्केयर का 1 है, और इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, पीक वैल्यू हमारी होती है मैक्सिमम बाय RMS, उसमें मैक्सिमम RMS इन्वॉल्व होती हैं, ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पावर फैक्टर इन कैंडिसन बल्ब पर यूनिटी है, इन कैंडिसन बल्ब दोनों पे काम करता है, फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन से फिर आई हुई है, यानी अक्सर आते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, इस दफ़ा उसमें भी आया हुआ था सिविल एविएशन के NTS में, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0 होता है, और इसमें से ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते, ये वाला आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक इज एयर कोड टू कीप इंडक्टिव रेजिस्टेंस लो, हॉट वाइड एमीटर जो है ये एसी के लिए होते हैं, और एसी मीटर RMS वैल्यू में ये करते हैं, ये वैसे सबको पता है। अच्छा, और फॉर्म मतलब ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से फॉर्म फैक्टर वाले आते हैं, फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन आ जाती है, तो इसमें से भी कुछ नहीं आता।